हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ कंप्लेंट लेटर। आज का लेक्चर क्लास 9th टू 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है और स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में तो कंप्लेंट लेटर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सपोज करो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है, यू आर सचिन ऑफ 420 बंसी कॉलोनी पानीपत, राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। सो इस सैंपल लेटर के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि कंप्लेंट लेटर को ठीक ढंग से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड में हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस यानी कि राइटर्स एड्रेस, राइटर्स एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर, फिर कॉलोनी, फिर नेम ऑफ द सिटी और सबसे लास्ट में डेट। जैसा कि इसमें एड्रेस आपको क्वेश्चन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, जैसा कि था सचिन और 420 बंसी कॉलोनी पानीपत। सपोज करो अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया तब आप क्या करोगे, तो वहां पर आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल ए बी सी सिटी और सबसे नीचे फिर डेट 13 अप्रैल 2019। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो हो गया राइटर्स एड्रेस यानी कि लिखने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस भेजने वाले का पता। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रिसीवर्स एड्रेस, जिसके नाम पर हम पत्र लिख रहे हैं वो भी आपको लेटर में मिल जाएगा, जैसे कि ये लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, तो द हेल्थ ऑफिसर पानीपत। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप ब्रीफ में लिखें, कंप्लेंट अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन बंसी कॉलोनी और इन योर सिटी और लोकेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप अकेला सर लिख सकते हैं, डियर सर और मैडम लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। अगर आप को ऑफिसर का नाम पता है तो आप बाय नेम भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कौन से सेंटेंसेस का हम यूज करें, सिलेक्शन किस तरह के सेंटेंसेस का हो। तो सबसे पहले आप शुरुआत की जो दो लाइन है उनमें आप जो आपका लेटर में जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप वो लिखें ब्रीफ में कि यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर। जैसे कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द इनसैनिटरी कंडीशंस प्रीवेलिंग इन आर कॉलोनी। फ्रेंड्स, इसकी जगह पर आप और फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि I regret to bring to your kind notice. I am writing to express my dissatisfaction with or I am writing to complain about the poor service, etc. इसके बाद जो आपका जो टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर तो है insanitary conditions, यहाँ पर हो सकता है bad lighting, water polluted water supply, या फिर अगर आपका SHO के नाम लेटर है तो आप लिख सकते हैं increasing number of thefts या फिर increasing चेन स्नेचिंग इन आवर लोकेलिटी एटसेट्रा। यानी कि दो लाइन में आप ये बात लिखें। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आप ये दिखाएं कि यानी कि एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम इन डिटेल, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिटेल में लिखें और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या रिजल्ट निकल सकते हैं वो भी इसके अंदर आप एक्सप्लेन करें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स इन आर कॉलोनी आर अनकवर्ड एज ए रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस फाउल स्मेल इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ दीज ड्रेन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर ब्रीडिंग फास्ट, हीप्स ऑफ रबिश आर लाइंग हियर एंड देयर, एन एपिडेमिक मे ब्रेक आउट, ब्रेक आउट यानी कि फैल सकती है कोई भी महामारी एट एनी टाइम, द सैनिटरी इंस्पेक्टर इज सीन वंस इन ए ब्लू मून। ये आपका एक idiom इस्तेमाल कर दिया कि कभी कभी ही इंस्पेक्टर हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो लास्ट की जो लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। कोशिश करें कि अगर आप जिसके नाम लेटर लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दें तो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर कुछ प्रेशर आएगा, जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच थिंग्स आर हैपनिंग अंडर योर एफिशिएंट कंट्रोल।
I'm quite hopeful that you will take a prompt action in this matter. फ्रेंड्स, जो इसके बाद आप थैंकिंग यू, थैंक यू या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन लिख सकते हैं. लास्ट में सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली, अगर आपने ऊपर नेम लिखा है कि डियर मयंक अग्रवाल एटसेट्रा, तो आप वहां पर योर्स सिंसियरली लिखेंगे. अदरवाइज योर्स फेथफुली, इसके बाद अपने साइन और लास्ट में अपना फुल नेम जरूर लिखें. सो इसके लेटर लिखते वक्त दो तीन और बातें हैं कि आप कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि जो हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि यू आर अगर लिखना है तो हम लिख देते हैं यू आर आई एम, तो इनका आप इस्तेमाल ना करें. कोशिश करें कि फॉर्मल लैंग्वेज लिखें. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.